कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सट्टू, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन एडिना, महामंत्री श्री राजकुमार मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांद्री, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी दबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, गौरव अध्यक्ष राजेंद्र जी केतली, श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अरना जैन एवं समस्त परिवार, C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली। इनके भी चार नामों से प्रसिद्धि है। कुंद कुंद स्वामी के भी चार नाम है, इनके भी चार नाम थे। पूजपाल स्वामी के संबंध में भी तो प्रस्तावना पढ़ने लायक है। बड़ी पंडितों ने मेहनत करके संग्रह किया है। चले जब जीव का ज्ञायक स्वभाव है तो फिर ये किस कर्म के उदय से इंद्रिय का आलंबन लेना पड़ता है? जब आत्मा का ज्ञायक स्वभाव है तो किस कर्म के उदय से इंद्रियों का आलंबन लेना पड़ता है? जानना देखना आत्मा स्वभाव है कि नहीं, तो इंद्रिय का आलंबन क्यों लेना पड़ रहा है? ज्ञानावरण कर्म तो ढांक रहा है। जो तुम्हें तुम क्षयोपशम से जानते हो कि आवरण से जानते हो? तो क्षयोपशम से जानो, क्षयोपशम हो गया। आवरण तो मत की ज्ञानावरण है, तुम्हें तो रास्ता दे दिया, जानो। आवरण से जानते अपन के क्षयोपशम से, वो तो आवरण है, वो तो जान नहीं रहे, वो तो जानने में आ ही नहीं रहा। जो जिस ज्ञान से तुम जान रहे हो उस पर तो वो आवरण नहीं है, वो तो क्षयोपशम है। तो आप जानो ना सीधा, इंद्रिय का आलंबन किस कर्म के उदय से लिया जाता है? इंद्रियावरण क्या? इंद्रियावरण के क्षयोपशम से तो हम जानते हैं, आलंबन पूछ रहा हूं। आलंबन, इंद्रिय का आलंबन ले रहा है जानते समय। क्यों? क्षयोपशम हो गया, कर्म ने तो रास्ता दे दिया, जाओ आप आगे जानो। फिर आप इंद्रिय का सहारा क्यों ले रहे हैं? वही असमर्थ किस कारण से है? वो पराधीन क्यों है? तो ज्ञान स्वभाव है, वो तो हो गया। उसी ज्ञान स्वभाव का तो चिंतन बता रहा हूं मैं। आत्मा का जब ज्ञान स्वभाव है तो वो इंद्रियों का आलंबन क्यों ले रहा है? आवरण ने तो रास्ता दे दिया। जैसे कोई व्यक्ति खड़ा था कि भाई प्रकाश के सामने खड़े मत हो, वो हट गया। अब तो प्रकाश आ रहा है ना, अब प्रकाश आ रहा है, उसके बाद भी तुम कह रहे कि हमें चश्मा जाओ कहाँ है? वीरयांत्राय कर्म का क्षयोपशम, वीरयांत्राय कर्म की हीनता इतनी है कि हम स्वयं जानने में समर्थ नहीं है। हमने थोड़ा सा नकल करा दी ना चश्मे की, लाइट आ रही कि नहीं, फिर अब चश्मा क्यों मंगा रहे आप? तो जिस प्रकार, इसी प्रकार हमारे वीरयांत्राय कर्म का जितने भी क्षयोपशम भाव हैं, सब वीरयांत्राय कर्म जो है उसके कारण से हमें आलंबन लेना पड़ता है। हमारा ज्ञान स्वभाव है और ज्ञानावरणी कर्म ने स्पष्ट कह दिया, हम आपके लिए बाधक नहीं बन रहे हैं। आवरण तो हट गया, आवरण नहीं हटता तो अपन जान भी, लेकिन हम जान तो रहे हैं, तो क्यों वीरयांत्राय कर्म की असमर्थ शब्द उन्होंने डाला पंडित पूज्यपाल स्वामी ने, कि हम जानने में असमर्थ किस कर्म के उदय से होता है? वीरयांत्राय कर्म का। इसलिए कभी भी जहाँ भी इंद्रिय नौ इंद्रिय आवरण आता है
तो अंगोपांग नाम कर्म वीर्यांतराय कर्म का जरूर उसमें डालेंगे। क्यों डालते हैं? उसी के कारण तो हम सहारा ले रहे हैं। वो तो है ही, मति ज्ञानावरण का छह उपशम वो तो हो गया, अब वीर्यांतराय कर्म का छह उपशम चाहिए। तभी उसी के कारण हम सहारा ले रहे हैं। अवध ज्ञान में वीर्यांतराय कर्म का छह उपशम इतना तेज है, उनको सहारा लेने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट ज्ञान में पदार्थ। अनिंद्रियम मन अंतःकरण करण नित्य नर्थांतरम, अनिंद्रिय मन अनिंद्रियम का नाम क्या है? अनिंद्रिय मन और अंतःकरण इति अर्थांतर, अर्थांतर है एक ही अर्थ में आते हैं। कथम पुनः अनिंद्रिय प्रतिषेधेन इंद्रलिंगे यो मनसि अनिंद्रिय शब्दस्य वित्ति। जब इसका नाम ही अनिंद्रिय है और अनिंद्रिय शब्द प्रतिषेध है, आ शब्द किसमें आता है? निषेध के अर्थ में। हिंसा नहीं है तो अहिंसा है, हिंसा का अभाव, तो इसी प्रकार इंद्रिय नहीं है इसका अर्थ है अनिंद्रिय है, तो इसका अर्थ तो प्रतिषेध हुआ। जब सो स्वयं इंद्रिय है ही नहीं, तो फिर उसको इंद्रलिंगे यो मनसि अनिंद्रिय शब्द से फिर इंद्र का लिंग क्यों माना गया? इंद्र ने आत्मा, ऐसा कैसे मानते हो? एवं मनसि, इसी प्रकार मन शब्द भी नहीं आएगा, अनिंद्रिय शब्द वृत्ति, क्योंकि वह मनसि शब्द भी अनिंद्रिय शब्द में उसकी वृत्ति है। मन यानी मन भी नहीं आए, क्योंकि मन भी किसको बता रहा है? अनिंद्रिय को बता रहा है। ईषदर्थस्य न्य प्रयोगात, ईषद अर्थ में नि प्रत्यय में नि प्रत्यय के प्रयोग होने से यहाँ ईषद अर्थ लेना चाहिए, क्योंकि नि प्रत्यय जो है ईषद अर्थ में आता है। ईषद इंद्रियम अनिंद्रियम इति ही ईषद इंद्रिय है, इसलिए अनिंद्रिय है, इंद्रिय है ही नहीं शुभात नहीं है। जैसे अनुदरा कन्या, ये कन्या अनुदरा है, तो क्या उधर से रहते है? लघु पेट है, चोर पेट बोलते उसको, चोर जिनके पेट बढ़ते नहीं ना खाने पीने के बाद भी, ये चोर पेट कहलाते हैं। कितने ही खा के आ गया पेट, देख लो कुछ नहीं। लोग भाषा में इसको चोर पेट बोलते हैं। लोग समझे बेचारा कुछ खाते ही नहीं होगा, खा गया खूब जम गए, वो पेट देख लो भाई, पेट तो जम गया। तो इसलिए दुबला देख के लड़ना नहीं, ये मत सोचना दुबला है, वो खा पी करके बैठा है जम के। इमानी इंद्रियाणी कथम ईषदर्थ है, ईषदर्थ कैसे निकाले यहाँ? इमानी इंद्रियाणी, इमानी छोटी ही है इंद्रियाणी, हाँ इमानी इंद्रियाणी, यह जो इंद्रियां हैं प्रतिनियत देश विषयाणी, क्योंकि प्रतिनियत देश के विषय को ग्रहण करती हैं। प्रतिनियत यानी निश्चित देश के विषय को ग्रहण करती हैं, क्या ना कौन करती हैं ऐसा? इंद्रियाणी, इंद्रियां किस विषय को जानती है? प्रतिनियत, सामने है तो जानेंगे, नहीं तो नहीं जानेंगे। प्रतिनियत देश भी नियत है, विषय भी नियत है। कालांतर अवस्थाएं नीचा, और इंद्रियां कालांतर में भी यथावत न तथा मन इंद्रियश्च लिंगम अपि सद प्रतिनियत देश विषयम्। वैसे मन जो है मन जो अनिंद्रिय है ऐसा प्रतिनियत देश विषय को नहीं जानती। मन कहाँ की बात जानता है? कहीं की भी जान ले, उसको कोई क्षेत्र नहीं।
कल की बात सोच ले, आज की सोच ले, जो नहीं देखा उस पर भी सोच ले। तो नियत विषय नहीं होता मन का, अनियत विषय। और कालांतर अवस्थाई चाह, और कालांतर में अवस्थाई नहीं है। पर इस बात को लेकर के वार्षिक बनाया है अकलंग स्वामी ने, और कहा मन स्थिर नहीं होता। इंद्रियों के स्थान फिक्स हैं कि नहीं, पर मन का स्थान फिक्स, इस बात को लेकर रात इसी बात को, इसी को वार्षिक बनाया उन्होंने। मन हमेशा बदलता रहता है, पर यहाँ ये अर्थ नहीं है। यहाँ अर्थ कालांतर अवस्थाई का अर्थ है, वो कालांतर में नेत्र तो जो जानती है वही देखेगी, अन्य नहीं। कालांतर में भी रूप ही देखेगी, कुछ और, लेकिन मन कालांतर में अभी रूप का चिंतन कर रहा है, कल शब्द का करेगा, कल रस का करेगा, कल स्पर्श का करेगा। पांचों इंद्रियों के विषयों को जो विषय बनाता है, पर अकलंग स्वामी कहते हैं कालांतर अवस्थाई का अर्थ है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ ऐसा होता है। ये द्रव्य मन की बात कर रहे हैं, वो द्रव्य मन कह रहे हैं। द्रव्य मन की रचना हो जाती है, कभी यहाँ से जानता है कभी यहाँ से जानता है। भाव मन, भाव मन जहाँ उपयोग चला जाता है वहाँ द्रव्य मन की तुरंत रचना, वहाँ द्रव्य मन की वर्णनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। भाव मन तो आत्मा का उपयोग है, भाव मन कोई चीज नहीं है। जब व्यक्ति मन से विचार करता है तो वही ज्ञान भाव मन होता है, जब वही उपयोग आँख से देखता है तो वही ज्ञान चक्षु उपयोग हो गया, करण उपयोग हो गया। उपयोग के कोई भेद नहीं है। जिसका आलम्बन लेकर के जानता है उपयोग को, उस समय वही टाइटल हो जाता है। उपयोग तो एक ही है, पर ये कालांतर अवस्थाई शब्द से वार्तिक बना लिया उन्होंने। तद अंतःकरणमिति चोच्यते, तद अंतःकरणमिति, इसलिए इसको अंतःकरण बोलते हैं। गुण दोष विचारण विचार स्मरणादि व्यापारे इंद्रिय अनपेक्षितत्वात् चक्षुरादिवत् बहिर अनुपलब्धेश्चः अंतर्गतम करणमंताकरणम् इत्युच्यते। बहुत अच्छी बात कही। इंद्रियों में गुण दोष का विचार करने की शक्ति नहीं है, इंद्रियों में गुण दोष विचार करने की शक्ति, ये अच्छे है ये बुरे है ऐसा इंद्रिय विचार नहीं कर सकती। आप तो कहती मैं देख रहा हूँ ये है, ये कलर ऐसा है, गुण दोष का विचार कौन करेगा? मन करता है। गुण दोष विचार व्यापार इंद्रिय अनपेक्ष है, चक्षु आदिवत, इंद्रिय अनपेक्ष जो है होने से चक्षु आदि बहिर अनुपलब्ध है, जैसे आँख कान नाक हमें देखने में आ रहे हैं ऐसा मन कहाँ है देखने, लेकिन है तो सही लेकिन देखने में नहीं आ रहा है, इसलिए इसको अंतःकरण बोलते हैं। तदिति किमर्थम, सूत्र में तद शब्द क्यों लाया गया? मति ज्ञान निर्देशनार्थम, मति ज्ञान के निर्देशन के लिए। अनुद्री और इंद्री से मति ज्ञान होता है। शंकाकार कहते हैं ननु चा तदनंतर अंतर से विधिर्वा भवती पृथ्वी से दो वी तस्य ग्रहण भवती। आपको सूत्र में तत्शब्द का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि क्रम से अभी मति ज्ञान का प्रसंग चल रहा है। स्मृति संज्ञा मति, स्मृति संज्ञा चिंता विनोद किसके भेद थे? मति ज्ञान का प्रसंग चल रहा है तो हम मति ज्ञान निकाल देते। आप दो अक्षर बढ़ाकर सूत्र की गरिमा क्यों कम की? क्योंकि जो अनंतरस्य जो आगे कहा जाता है वह पीछे वाले की या तो विधि की गई है और या निषेध किया गया है। ये अर्थम उत्तरार्थ चा तद इति उच्यते। यहाँ पर जो अर्थ है उत्तरार्थ रूप में अपने आप तद सबसे
नहीं यह अर्थ अर्थम उत्तरार्थ तदिति उच्यते। हाँ ठीक है, यहाँ अर्थ उत्तरार्थ के लिए भी कहा गया है, यहाँ पर पीछे का संबंध नहीं है, उत्तराने आगे का भी इससे संबंध है, आगे का भी संबंध है। उत्तरार्थ यानी यह अर्थ उत्तरार्थम इति संबंध थे। उत्तरार्थ किसे बोलते हैं? आगे वाले का। तत् शब्द का पीछे से संबंध है ही और आगे सूत्र से भी संबंध है। कैसा संबंध है देखो बेटी, उत्तरार्थ यानी आगे आनो, वो खुद ही दे रहा है, देखो अभी खोल रहा है, देखो आगे खोल दिया उन्होंने। यत मत्यादि पर्याय शब्दवाच्यम ज्ञानम तनिंद्रिय निंद्रिय निमित्तम तदेव अवग्रह आवाय धारणा इति ही। यदि हम शब्द ने, देखो कितनी अच्छी बात है, ऐसे नहीं प्रश्न उठते हैं, प्रश्न उठाने के लिए भी बुद्धि चाहिए, पढ़ना अलग चीज है, पढ़ना तो श्रद्धा के बस हो जाता है, लेकिन प्रश्न उठना प्रत्युत्पन्नी माना जाता है। प्रश्न उठना, अब कितनी बड़ी बात कह दी कि यदि हम तद शब्द नहीं देते तो इंद्रिय निमिंद्रिय से क्या होता है, मति स्मृति संज्ञा चिंता भी निबोध इतना अर्थांतरम, ये जो सूत्र दही थे तो इन सूत्रों का संबंध यहाँ जुड़ जाता है कि ये इंद्रिय अनिंद्रिय जो हैं ये शुद्ध ज्ञान के विषय हैं। मति ज्ञान का तो हो गया कि नहीं, मति ज्ञान का विषय हो गया, मति स्मृति संज्ञा चिंता भी निबोध, अब यहाँ कुछ मत दो तो इंद्रिय अनिंद्रियम, तो शुद्ध ज्ञान आदि इंद्रियों अनिंद्रिय से होता है, ऐसा अर्थ भी निकल सकता था, क्योंकि सर्वनाम से रहित कर देने पर व्यक्ति कहीं भी जोड़ सकता है। अवग्रह अवाय धारणा इति, अवग्रह अवाय धारणा से भी इसका संबंध है। इतरता ही प्रथम मति आदि शब्द से ज्ञानादिन उक्त्वा, यहाँ प्रथम में मति आदि शब्द वाक्य को जो कहे गए हैं उनको यहाँ पर छोड़ करके उक्त्वा यानी कहे करके इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम श्रुतम, यानी मति ज्ञान को तो हमने विराम कर दिया कहाँ पर, पर्यायवाची शब्द कह करके, अब ये जो विषय चल रहा है ये शुद्ध ज्ञान का विषय है, ऐसा भी कोई अर्थ ले सकते थे। उत्तरार्थ का अर्थ ये भी है कि यदि हम तत्शब्द नहीं देते तो बिना अर्थ के लोग आगे वाले शब्द से जोड़ देते, यानी शुद्ध ज्ञान, मत ज्ञान का कथन हो गया, अब किसका होना चाहिए, शुद्ध ज्ञान का, तो लोग ये कहते कि अनिंद्री और शुद्ध, अनिंद्री और इंद्री से होता है, ये मत ज्ञान तो खत्म हो गया, शुद्ध ज्ञान चालू हो गया, क्योंकि बाजू में उस मति के बाद उत्तरार्थ किसका है, शुद्ध ज्ञान का, ऐसा कोई अर्थ ले सकते थे। इसलिए तदेव अवग्रह आवाय धारणा थे अनिष्टम अभिसंबंधित संबंधित, अवग्रह आवाय धारणा से भी इति अनिष्टम अभिसंबंधित संबंधित, और अवग्रह आवाय धारणा से भी इसका संबंध जोड़ा जा सकता था। एवं निर्ज्ञात उत्पत्ति निमित्त अनिर्णीत भेद मिति तद भेद प्रतिपत्त्यर्थम आह, इस प्रकार से निर्ज्ञात उत्पत्ति निमित्तम अनिर्णीत भेदम, ये ज्ञान जो है ये तो मान लिया हमने इंद्रिय और अनिंद्रिय से होता है, लेकिन इसकी उत्पत्ति किस रूप में होती है, हमें उपलब्धि कैसे होगी, मत इंद्रिय और मन से तो हो गया, लेकिन इंद्रिय मन कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये तो जड़ रूप है, कैसे ये ज्ञान प्राप्त कैसे करता है, पदार्थ की बात जाके करता है कि पदार्थ को बुला के करता है, क्या करके करता है, अवग्रहे आवाय धारणा, अवग्रहे आवाय धारणा, हाँ। तो अवग्रह
ई हा हे आवाय, क्योंकि ई मिला ही उसमें, अवग्र हे हावाय धारणा। हाँ देखो अब व्यंजनम परवर्णम हेत, अब देखो इसमें क्या है, अवग्र अवग्र शब्द है वो, लेकिन उसको किस तरह पढ़ोगे आप, हा के साथ, क्योंकि स्वर मिल गया ना उसमें, हा जा करके ई में मिला है, क्या मिला है, हा जा करके ए में मिला है, तो किस पढ़ोगे, अवग्र 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 हे हावाय धारणा, अवग्र हे नहीं, जनरली अपन लोग क्या पढ़ते हैं, अवग्रहे, क्योंकि अवग्रह सब अपन को डटा है, अवग्रहे अवग्रहे आवाय हावाय धारणा। हा भी उधर जाएगा, क्योंकि हाँ हा भी वहाँ भाई के साथ जाएगा, क्योंकि आ मिला हुआ है, तो अवग्रह हे हावाय धारणा, अवग्रह 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 हे हावाय धारणा, अवग्रह हे नहीं पढ़े, अवग्रह अब ठीक है, अभी तो हम पढ़ के उतारे, वो तो इस फ्लो में तो वही आएगा, अवग्र हे आवाय धारणा, अवग्र हे आवाय धारणा, अवग्र हे, पर अवग्र पर अपन थोड़ा सा जोड़ दें, अवग्र हे हावाय धारणा, मतलब अवग्र शब्द पर थोड़ा रुको, अवग्र हे हावाय धारणा, हावाय हा को बाय के साथ करो, और ये को अवग्र हे आवाय धारणा, विषय विषय सन्निपात तदनंतरम आद्यम ग्रहणम अवग्रह। विषय विषय सन्निपात, विषय किसे बोलते हैं, जिसको जानना है, विषय जान, विषय अपन है, जानने वाला विषय है, और विषय क्या है, जिसको जाना जा रहा है, सन्निपात, सन्निपात है ना संबंध, संबंध का अर्थ नहीं कि ग्रहण कर लेना, अभिमुख, अभिमुख होना ही सन्निपात है। अनंतरम, तो सन्निपात के समय क्या हुआ, विषय विषय सन्निपात से क्या होता है, ये तो तदनंतर समय ज्ञान कह रहे, माने पहले विषय विषय सन्निपात होगा, उसके बाद ज्ञान होगा, तो सन्निपात के समय क्या होगा, तो बोलो ना, हाँ विषय विषय पाठ, विषय विषय सन्निकर्ष होते ही सबसे पहले दर्शन होता है, असंख्यात समय तक दर्शन रहता है, तब कहीं अवग्रह ज्ञान होता है, एक समय नहीं है, दर्शनोपयोग का काल भी कितना है, अंतर हो, अब बोलो विषय विषय सन्निपात सामान्य अवलोकन भी असंख्यात समय तक रहता है, फिर जाकर के अवग्रह होता है, अवग्रह भी असंख्यात समय का है, विषय विषय सन्निपात सती दर्शनम भवती, देखो आगे लिखा दी ना, विषय विषय सन्निपात होने पर क्या होता है, दर्शन होता है, ये बाहर देखें रट लेना चाहिए, कोई ने पूछा दर्शन किसे कहते हैं, विषय विषय सन्निपात होने पर जो अनुभूति होती है वही, ये वार्तिक बन गया, वार्तिक यानी एक परिभाषा हो गई अपने आप में पूर्ण, दर्शन की परिभाषा होता है विषय विषय सन्निपात दर्शन, तदनंतरम अर्थ ग्रहणम अवग्रह, उसके अनंतर अर्थ को ग्रहण करना अवग्रह है, चक्षुषा शुक्लम रूप मिति ही, जैसे चक्षु के द्वारा, अब देखो चक्षुष बना है तो चक्षुषाम आगे आएगा शुद्ध व्याकरण में, शुक्लम का रूप यदि, ये शुक्ल रूप है, ग्रहणम अवग्रह स्थूल रूप से समझा रहे हैं, क्योंकि उसको शुक्ल नहीं जानना है, उसको तो क्या जानना है, ये क्या चीज़ है,
अवग्रह गृहीते अर्थे तद विषय कांक्षणम इहा। ये सफेद तो है, सफेद के संबंध में अब कोई विकल्प नहीं है, लेकिन सफेद तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो क्या है? शुक्लम रूपम बलाका पताका वेत्ति ही। शुक्ल है और शुक्ल में बलाका भी है, पताका भी है। विशेष निर्गान्त्याद्यात्म अवगम्य मन मवाया। विशेष निर्गात जो है, निर्गात से यथा जैसे आत्मा अवगत होती है उसे क्या बोलते हैं? यथात्म, यानी जैसा है वैसा ही अवगम हो जाने का नाम आवा है। उत्पत्ति उत्पतन निष्पतन पक्ष विक्षेप आदि भी अवलोकने अवलोक ही नहीं नहीं ये है ये यम न पता कहती ही। बला कहीं नहीं बनेगा, बला कहीं नहीं बनेगा, हाँ बला कहीं नहीं, बला कहीं नहीं, यानी तृतीया का बहुवचन नहीं है बला कही। बला का नहीं तो विसर्ग गायब हो जाएगा वहां से। हाँ बला कहा एव यम, बला का एव यम, यह बला का ही है क्योंकि हाथ पैर इसके नीचे पंखों का उत्पीर निक्षेपण हो रहा है। अब एतस्य कालांतरे विस्मरण कारणम धारणा है। अब कालांतर में उसको नहीं भूलना, विस्मरण नहीं होना, अविस्मरण कारण है, उसको धारणा कहते हैं। अब शब्दों में बहुत अंतर हो जाता है। कोई भी व्यवस्था है, अभी क्रमवार हो गया इनका, अवग्रह हिया आभाय धारणा, क्रम से होंगे या अक्रम से होंगे? किसी को अवग्रह होगा सीधी धारणा हो जाए? हो ही नहीं सकती, अपन पकड़ नहीं पाएंगे। वो कितने करो, एक पाठी भी है, कोष्ठ बुद्धि वाला भी है, तो भी क्रम से ही होगा अवग्रह इहा अवाय धारणा के। हाँ वो अभ्यस्त विषय में इतनी तीव्रता से होती है, जिस वस्तु को अपन जानते हैं ना, इतने तीव्रता से अवग्रह या अवाय होगी। अपन ने देखा कि काला बरसाती है, क्योंकि अपन ने बार बार देखा है, तो देखते ही अपन को अवग्रह या अवाय धारणा होगा। हाँ वो धारणा है उनकी, स्मृति स्मृत्यावरणी कर्म का क्षोभ समय थी। हाँ कई चीजें जो हैं अपन को स्मृति करते करते आ जाती हैं, अभी भूले हुए हैं। वो अपने न्याय में आता ना, स्वयं का छाता भूलने वाला दूसरे के छाते को देखकर, कई बार होता है शब्द बोलते बोलते आ जाते। देखो आज मंगल पाठ की क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर। आप मंगल शब्द देखते देखते वो कहाँ मंगल पर मंगल पहुंच गया, पूरा सगुन के ऊपर पूरा प्रवचन मंगल के रूप में परिवर्तित। तत्व देखो कितना बड़ा तत्व खुला है। नमोकार मंत्र में सीधे पांच परमिष्ठी थे कि नहीं? सीधे पांचों को मंगल कहते थे, झगड़ा झंडा क्यों पाला इनने, क्यों पाला? जब तुम नमस्कार पांच को करा रहे हो, नमोस्तु तो करा रही है कि नहीं, तो मंगल कह दो। नमोस्तु कराना अलग चीज है, मंगल मानना अलग चीज है। आचार्य पद दिखता नहीं है, साधु पद दिखता है। और मंगल किससे होगा, बहुत बड़ी चीज है। आचार्य पद को मंगल क्यों नहीं कहा? क्योंकि दूर से देखने पर क्या दिखेगा? साधु दिखेगा, साधु सूर दिखेगा बस। आचार्य पद तो जब दिखेगा जब हम उसको सोचेंगे विचार करेंगे, और जिसको पता ही नहीं है तो वो क्या करेगा? मान लो अपन को तो मालूम है
मान लो कोई अनजाना व्यक्ति है, वो देख करके अगर अरे आज हमारा शुभ हो गया, उससे पूछे भाई तुमने क्या देखा, साधु को देखा, मतलब साधु कहेगा साधु देखा, दिगंबर जैन साधु देखा। तो मतलब ये जो पाठ रचे गए हैं इनके पीछे बहुत बड़ी बुद्धि लगी है। अपन जैसे बुद्धुओं के लिए कोई बात नहीं है, लेकिन लिखने वाले ने कितनी बुद्धि सोची होगी। आचार्य उपाध्याय पद को उन्होंने तीर्थंकर को नहीं लिया, अरहंत को ले लिया, क्योंकि तो तीर्थंकर हमें देखने में नहीं आ रहा, हमें भगवान देखने में आ रहा है। सिद्धों को पीछे क्यों किया, वो देखने में ना किसी को क्या मंगल होंगे बताओ, क्या करेंगे मंगल हमारा। हाँ, जब हम उनको सोचेंगे विचार करेंगे, नमो सिद्धानम, अब जिनको स्वरूप मालूम है तो विचार कर लेगा, जिसको स्वरूप मालूम नहीं तो क्या करेगा। तो यहाँ मंगल सर्वोत्तम मंगल कौन है, जो स्वयं मंगल हो और जिसके स्पर्श से दूसरा भी वो सर्वोत्तम है। सिद्ध भगवान में ये शक्ति नहीं है, है? मंगल हो जाता। वो प्रवचन शुरू होना था 10 लाख क्षण पे, नहीं वो भूमिका थी 10 लाख क्षण पर भी कल शुरू होना, और वो तो चले गए और पहुंच गया, चले जा के बाद नहीं, बिल्कुल बहुत बहुत चिंतन मिला, बहुत चिंतन मिला। महाराज जी धर्म को भी आपने चौथे नंबर पर, मतलब धर्म को चौथे नंबर पर, भाई धर्म सबसे श्रेष्ठ है कि नहीं, पर वो चौथे नंबर पे आके बताओ, अरहंत से भी बड़ा है धर्म जी। धर्म जो है अरहंत से बड़ा है, सिद्धों से बड़ा है, साधु से बड़ा है, धर्म सबसे श्रेष्ठ है। धर्म से ही तो वो धर्मात्मा बना, धर्मात्मा से धर्म नहीं, धर्म से धर्मात्मा। घड़ा से घी नहीं बना, घी से घड़ा, मतलब घड़ा के कारण से घी को टाइटल नहीं मिला, घी के कारण से। तो धर्म श्रेष्ठ है, फिर भी उसका नंबर कहाँ रखा, चौथे नंबर, क्योंकि वो कहीं देखने में आते ही नहीं, देखने में आता नहीं, सुनने में आता नहीं, कुछ नहीं आता वो। हाँ जल भी मंगल नहीं, घड़ा भी मंगल नहीं, भरा हुआ मंगल वो अपने आप को मंगल नहीं मान रहा है, लेकिन जिसने देखा उसको मंगल हो गया। अपने पास जितनी बुद्धि है उतनी तो लगाओ, उतनी बुद्धि तो नहीं है कि अपन मंगल पाठ को रच दें, लेकिन जिन्होंने रचा है उनको अपन समझने की तो चेष्टा करें। यथा स एवं बला कहा पूर्वान्य है, पूर्वाण्य अहम द्राक्षम इति ही, द्राक्षम इति यथा जैसे साहेव, साहे की ता है साहे, वही है साहेव यम, साहेव यम वह ही यह बला का है, कौन पूर्वाण्य, पूर्वान्याम सुबह देखा था, तो पूर्वान्य बना पहले तो लगा करेगा, पूर्वान्य में प्रातः काल में अकारांत है, पूर्वान्य शब्द जो है अकारांत है, पूर्वान्य में, पूर्वान्य में याम आम है, याम वो जिसको हमने जिसको हमने दे, या मैंने जिसको, याम स्वतंत्र है, याम अहम द्राक्षामिति जिसको हमने पूर्वान में देखा था, द्राक्षा ने देखा था इति ही ये शाम अवग्रादी नाम उपन्यास क्रम उत्पत्ति क्रम कृता।
इस प्रकार अवग्रह आदि नाम को उपन्यास क्रम, अवग्रह आदि को उपन्यास यानी क्रम से स्थापित, उपन्यास यानी स्थापना की है। कैसी की है स्थापना? क्रम से। ऐसा क्यों किया है? उत्पत्ति क्रम करता आपने इस क्रम से क्यों उपन्यास किया यानी स्थापित किया? क्योंकि उनकी उत्पत्ति का क्रम भी यही है, इसलिए। महाराज श्री जी एक प्रश्न है थोड़ा सा, ये जो लौ पदार्थ होते हैं, पुण्य पाप होते हैं, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से घटाए जाते हैं। नौ पदार्थ? हाँ नहीं, पुण्य पाप है, नौ पदार्थ है, जीवादि पदार्थ हैं, जिनको द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से घटाते हैं। तो पुण्य पाप के लिए जैसे इन्होंने घटाया कि द्रव्य की अपेक्षा से असंख्यात है, यानी पुण्य और पाप जो है वो द्रव्य की अपेक्षा से असंख्यात हैं, और क्षेत्र की अपेक्षा से घनांगुल की असंख्यात वे भाग मात्र हैं, और काल की अपेक्षा से पल्लवपम की असंख्यात वे काल मात्र हैं, और भाव की अपेक्षा से अवधिज्ञान की असंख्यात वे भाग मात्र हैं। तो ये विवक्षा किस प्रकार से मतलब लगाना? पदार्थ की पदार्थ पुण्य और पाप, पुण्य और पाप, ठीक है। पहली बात तो पुण्य पाप नाम का, पुण्य पाप नाम का कोई कर्म नहीं है, पुण्य पाप नाम का कोई कर्म नहीं है। पुण्य पाप एक संग्रहवाचक शब्द है। आप पुण्य किसे कहते हैं पहले पुण्य और पाप की परिभाषा बनाओ। पुण्य पाप यहाँ कर्म को कह रहे हैं या पुण्य और पाप परिणाम को कह रहे हैं? पदार्थ कहना है तो ये पुण्य रूप है, ये पाप रूप है। तो अब पुण्य और पाप की जो संज्ञा है वो जीवों की अपेक्षा से, पहला किसी अपेक्षा लगाया? द्रव्य की अपेक्षा से। द्रव्य की अपेक्षा, तो द्रव्य की अपेक्षा से पुण्य पाप असंख्यात रूप है। हाँ। क्योंकि पुण्य और पाप के कर्म के जो भेद हैं ये असंख्यात रूप ही हैं, कर्म अनंत रूप नहीं है। पुण्य और पाप जो हैं बंधने के बाद हुआ, बरगना में तो पुण्य पाप होता नहीं, बरगनाएं पुण्य पाप की अलग होती हैं क्या? नहीं नहीं होती, कर्म वर्णा होती है। पुण्य पाप कब बनता है? प्रकृति बंध, प्रकृति बंध होने के बाद। तो प्रकृति बंध के भेद कितने हैं? अनंत जीव पुण्य पाप को बांधते हैं, लेकिन भेद कितने हैं? असंख्यात, असंख्यात ही भेद। लेकिन जैसे वनस्पति काय कितनी होती हैं? वनस्पति काय कितनी होती है? अनंत, अनंत। लेकिन योनि स्थान कितने हैं? कुल कोटि 10 लाख, 10 लाख। कुल कोटि कितनी है? 10 लाख। लेकिन है कितनी? अनंत अनंत वनस्पति होकर के भी कुल कोटि कितनी है? 10 लाख। ऐसी प्रकार अनंत जीव अनंत कर्मों को बांधता है पाप रूप के, कितने बांधता? अनंत। लेकिन उनकी वैरायटी कितनी है, परिणाम कितने हुए थे? असंख्यात। जितने भी कर्म हैं इनके अनंत भेद नहीं बनते, असंख्यात। तो द्रव्य की अपेक्षा पाप द्रव्य कितने रूप है? असंख्यात, असंख्यात रूप। समान आ जाएगा जी। मतलब ये कोई भी जीव है अनंत प्रकार का पाप नहीं बांधता, असंख्यात प्रकार का ही पाप बांधेगा। जीव भिन्न भिन्न है, वही पाप हमने बांधा, वही तुमने बांधा, वही उसने बांधा, एक समान। तो द्रव्य की अपेक्षा से वो पाप जो है कितना है? असंख्यात रूप। अब दूसरा बोलो, पुण्य भी ऐसे ही मानना, क्षेत्र की अपेक्षा से घनांगुल की असंख्यात। पुण्य को भी यही मानना, पुण्य के द्रव्य की अपेक्षा से कितने पुण्य रूप हैं? असंख्यात। अब आओ क्षेत्र की अपेक्षा, क्षेत्र घनांगुल की असंख्यात भाग मात्र हैं। पुण्य पाप की अपेक्षा से? हाँ, पुण्य पाप क्षेत्र की अपेक्षा से घनांगुल की असंख्यात भाग मात्र है, जगन मात्र से। हाँ,
जगन उत्कृष्ट नहीं, जगन उत्कृष्ट सामान्य से घनांगुल के संख्यात विभाग। तो पाप का जो क्षेत्र की अपेक्षा घनांगुल के संख्यात भाग का अर्थ होता है एक कार्बन वर्णा है कितने स्थान पर तिष्ठती है। इन असंख्यात जो लोग प्रमाण परिणाम है इनको कम से कम, हालांकि इन्होंने कम उत्कृष्ट देना चाहिए था, तो घनांगुल के संख्यात विभाग प्रमाण क्षेत्र में ये वर्णाएं ठहर जाती हैं क्षेत्र की अपेक्षा। सूक्ष्म लब्धि पर्याप्त की अपेक्षा से, अवगाहना की अपेक्षा से, अवगाहन अवगाहना की अपेक्षा सबसे जघन्य अवगाहना दी है कि अंगुल के संख्यात विभाग क्षेत्र पर पूरी पाप वर्णाएं स्थित हो गई कि नहीं, कर्म कितने क्षेत्र में ठहर गया कम से कम में। घनांगुल के संख्यात भाग, अंगुल के संख्यात भाग, घनांगुल के, हाँ घनांगुल के संख्यात भाग। अन्य स्थानों पर इसको ऐसा भी कहा है जघन्य पाप वर्णाएं जो हैं घनांगुल के असंख्यात में भाग लिया है और घनांगुल, और कहीं लोक के असंख्यात में भाग प्रमाण भी हैं पाप वर्णाएं, और लोक प्रमाण भी है क्षेत्र समुद्घात के समय पाप पदार्थ लोक प्रमाण हो जाता है, पाप पाप वर्णा अरहंत भगवान के भी पाप कर्म है कि नहीं, तो जब वो लोक पूर्ण करते हैं उस समय पाप वर्णाएं भी आत्मा के साथ फैलती हैं कि नहीं, फैलती हैं, उन्हीं को तो नष्ट करना है। नहीं तो असत आदि कर्म है ना उनके उदय में, वे सब साथ में फैल रहे हैं, तो लोक प्रमाण, लोक के असंख्यात में प्रमाण, घनांगुल प्रमाण, ये तीन प्रकार से क्षेत्र की विवक्षा बनना चाहिए। आगे फिर काल की अपेक्षा से है पल्लुवम के असंख्यात में भाग मात्र, काल की अपेक्षा से पल्लुवम का असंख्यात में भाग काल की अपेक्षा, ये विषय थोड़ा सा नहीं घटेगा। किस में लिया ये? पुण्य पाप में, पुण्य पाप में ही घटाना चाह रहा हूं। पाप में किस में घटाया कहां? हां सामान्य कथन है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सट्टू, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन एडिना, महामंत्री श्री राजकुमार मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांद्री, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी दबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, गौरव अध्यक्ष राजेंद्र जी केतली, श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अरना जैन एवं समस्त परिवार। C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली।